सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो कल्याण टीवी पंजाब ते मैं हर्षपाल सिंह बठिंडा कारपोरेशन दफ्तर दे सामने एंटी करप्शन विंग वल्लों सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार दे खिलाफ रोस धरना भी दिता गया अते नारेबाजी भी की गई। उन्होंने कहा कि पिछले दिन एक पत्रकार वल्लों सीनियर डिप्टी मेयर नूं इह सवाल पुछा गया सी कि जो रोड उत्ते बेसहारा गऊआं फिर रही हन उन्हां दा इंतजाम क्यों नहीं उन्होंने इस दे जवाब विच बेतुका जवाब दिता कि क्यों ना वड्डे घर ही 8-10 गऊआं छड्डियां जाण। इस बेतुके जवाब नूं लैके उन्होंने व्यंगमई ढंग नाल कहा कि बहुत खुशी दी गल है कि जो सीनियर डिप्टी मेयर ने यह जवाब दिता, असी क्यों ना पहले सब तो पहला सीनियर डिप्टी मेयर दे घर ही ये गऊआं छड्डियां जाण। उन्होंने इस गल नूं लैके लड्डू भी वंडे गए। उन्होंने कहा कि यह सुझाव डिप्टी मेयर का बहुत ही वधिया है, सब तो पहला यह सीनियर डिप्टी मेयर दे ही घर गऊआं छड्ड के शुरुआत की जाएगी। इस दे एवज विच उन्होंने लड्डू भी वंडे गए। दूसरे पासे सीनियर डिप्टी मेयर का की कहना है इस ते तुसी अगे सुन सकते हो। मेरा नाम गौरव अरोड़ा है, मैं एंटी करप्शन का बठिंडा जिले का स्पोर्ट्स विंग का प्रधान है। तो साड़ी पूरी टीम है जी। कुछ दिन पहला साढ़े प्यारे सत्कारयोग सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार जी वालों सानू एक बहुत ही वधिया सुझाव दिता गया सीगा। सुझाव यह कि साडा भरा पत्रकार वीर गोबिंद सैनी जिन्हां ने अशोक कुमार जी को एक सवाल किया सीगा कि जो भी सड़कां ते बेजुबान ते बेसहारा बेचारियां गऊआं घूम रही हैं इन्हां नूं सुरक्षित गऊशाला दे विच पहुँचाया जाए तां जो जिन्ने भी सड़क के उपर एक्सीडेंट हो रहे हैं वह घट हो जाण। तां तुसी ये देखो अपने बहुत ही प्यारे सत्कारयोग सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार जी वाले इन्ना वधिया सुझाव दिता गया, सानू बहुत ज़्यादा वधिया लग्या कि ये लोगों दी मुश्किलों नूं इन्ना वधिया तरीके नाल सुणदे ते मिंटां चुटकियां च हल कर दिंदे ने। सानू इन्ना सुझाव बहुत वधिया लग्या। इन्होंने सुझाव दिता कि साडे कोल गऊशाला दे विच जगह नहीं है, साडे कोल गऊशाला दे विच जगह नहीं है तां सारियां गऊआं नूं तुहाडे घरे छड्ड दिंदे आ। ये पत्रकार मेरे वीर नू गोबिंद सैनी नू इन्होंने रिप्लाई किया जी, साडे कोल वीडियो भी पई है, साडे कोल वीडियो पहुंची सी कि जिन्नियां भी गऊआं घूम रही हैं सड़कां ते साडे कोल गऊशाला दी भी जगह नहीं है इन्हां गऊआं नू तुहाडे घर भी छड्ड दिंदे आ। तुसी देखो तुहानू इस तों बाद होर सीनियर डिप्टी मेयर कित्थों मिल जूगा। तुसी किते भी मेरे कोल जाओगे पहला देखो मेयर बेचारा गवर्नमेंट कोल कहूगा भी हाँ भी आपां सानू जगह दो पैसे दी मंग करूगा, टाइम लगू प्रोसैस से। इन्ना वधिया प्रोसैस इन्होंने दिता सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार जी ने कि तुसी घरे लै जाओ, किन्ना वधिया सुझाव है। तो मैं ये चाहना कि साडी टीम नूं ये सुझाव बहुत वधिया लग्या कि क्यों ना आपां इस काम की शुरुआत मूँह मिठा करके लड्डू ना पहला आपां सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार जी के घरों ही की जाए। इसलिए असी नाल गऊआं नूं भी लेके आए हैं कि सब तो पहला शुरुआत आपां इन्हां दे घर तों करिए तां जो जिन्ना भी बेचारे मेरे वीरां ने लोकां ने इन्हां नूं वोटा पा के इन्हों नूं इस कुर्सी तक पहुँचाया उन्होंने पता लगे। इसलिए असी सुझाव दें सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार जी नूं कि सब तो पहला असी शुरुआत इन्हों गऊआं दी तुहाडे घर तों करांगे। नाले मैं लोगों को अपील करदा कि तुहाडे आसे पासे जिन्ने भी गऊआं तुहानूं दिखदियां सड़कां ते जिन्हां नाल एक्सीडेंट हो रहे हैं कि तुसी सारे उन्हां गऊआं नूं फड़ के प्रधान जी दे घरे लेके आओ ते जिन्हें भी इन्हां वल्लों एमसीआं वल्लों चुन के इन्हां नूं इस कुर्सी ते बिठाया गया वो एमसीआं नूं भी चाहिए कि हर एक गऊ नूं आपदे घर तक लेके जाण कि ये लोगों नूं जागरूक करन कि आपां गऊशाला भी साडे कोल जगह नहीं है, असीं कुछ नहीं कर सकते, कोई हल नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी हुण तुसीं ये देखो आम पब्लिक हर एक इंसान गऊ टैक्स भरदा, तुहानूं सारिआं नूं पता आपां गऊ टैक्स भरदे, फिर भी आप गऊ टैक्स भरन के बावजूद उन्होंने सामना कौन कर रहा, एक्सीडेंट कि हो रहा अपने आम लोगों ही हो रहा ना, उन्होंने कारण गऊँ ही बनने सड़कों पर। फिर भी सीनियर डिप्टी मेयर वालों की सवाल किया ना तुम आप ही देख लो। इसलिए सारे लोगों को कहना है कि तुम भी एक गऊँ आपके घर लेके जाओ, नाले सारे एमसीआं नूं उन्होंने कहो भी जिन्होंने वोटा पा के इन्हों इतों तक पहुँचाया उन्होंने घर तक कि आप गऊँ छड़ीए। थोड़ा एदू वधिया मैं नहीं चाहता, मैंने नहीं लगता कि एदू वधिया आपको सीनियर डिप्टी मेयर कितों मिलूगा। मैं हाँ बिल्कुल जी थोड़ी गल सही है, ये सानू नहीं लगता पूरी टीम नूं ना लोगों लगता कि इस कुर्सी के काबिल हैं। असीं तां डिप्टी सर अगे भी यही डिप्टी कमिश्नर सर अगे भी यही मंग करते हैं कि जां तां इह बोले हुए शब्दों वापस लैन, ठीक है, जां फिर जो इन्होंने सुझाव दिता सी कि गऊआं नूं पत्रकार वीरां दे घरे छड्ड दिंदे आ, जां फिर इह मुहिम चलाओ कि पहली शुरुआत असीं
इन्हों के घर तो करते हैं गऊं इन्हों घर छड़ दें जा फिर अपनी कुश्ती तो अस्तीफा दे दें। एक दिन तुहाडे कोल इक बाइट करन आए सी जिहदे विच उन्होंने गां बारे कोई चर्चा की भी गावां दा आपां की करिए बड़ा कुर्सी घरे टुटी जाए तां भी आपां गावां बारे की करिए है ना ते तुसीं ठीक है चलो पता नहीं उस वेले तुसीं किस मूड च बैठे सीगे ते उस वेले तुसीं इह गल की भी असीं भाई तेरे घर भेज दिंदे आ साडे कोल तां जगह है नहीं कि इह वाजिब सी शब्द। मैं इन्हां नूं इह गल कही सी इन्हां ने कहा सी भी तुसीं की कर रहे हो असी इन्हों एक गल कही सी भी असी समय समय सिर गईयां फड़ के पशु फड़ के गऊशाला में छड़दे हैं इस वेले सारी गऊशाला फुल है किसी गऊशाला कोई जगह नहीं है फिर इन्हें पूछा भी तुसी जिहड़ा काउ कट्ठा दुद्ध की करते हो असी उन्होंने कहा भी उन्होंने असी डाइट मनी दिंदे हैं जिन्हें भी असी गऊशाला के गाइया फड़दे हैं उस उन्होंने डाइट मनी दिंदे हैं उत्थे गऊ जदों भी खाली हुई साडे अधिकारी लगे हुए हैं जो भी गौशाला कोई खाली हुई उत्थे असीं गईयां फड़ के भेजांगे पर वो जिहड़ा सीगा भी तुहाडे घर असीं भेज दईए चार चार पांच पांच या दस दस गावां पत्रकारां दे घर कोई इहो जी कोई गल नहीं है बिल्कुल गलत गल है ये अपना छोटा भाई है जिवें तुसीं अपने कोल आउंदे हो प्यार मुहब्बत नाल गल सीगी वो ऐसी कोई गल नहीं सी भी ला के भी भाई तुहाडे घर भेज दईए ये कोई गल थोड़ा कोई वो तो सैनी साहब पूछ लो कितनी बार प्यार मुहब्बत ना पंजाब चलती साड़ी आप कैमरा चल रहा है उदों पत्रकार ऐसे पत्रकारी सवाल पूछे उदों नहीं मैं की कह रहा हां किथे हो वीडियो दिखाओ वीडियो वायरल हो रही है सर चलो कोई गल नहीं भाई जी वायरल हो रही है तो की लाज वो तो हो चुकी जी हो चुकी है समझ नहीं गल जी हो है नहीं पत्रकारों ने घर नहीं किया बिल्कुल नहीं किया हां इन्होंने एक गल कही थी एज ए भरा दे छोटे नाते वो जो बार बार कही गए भी की कर रहे हो डायरमेंट दे की कर रहे हो मैं कहा यार बाली गल तू ले जा भाई चार पंज गारा ये गल लिख जी और तो कोई गल हुई नहीं वो भी छोटे भरा दे नाते मैं मेरी एक बेनती तुसी कौन सीनियर पोस्ट तुसी इन्ने पत्रकार खड़े हो कदे मेरे मुंह अब शब्द सुने किसी ने कदे कोई दस दो मैनू देखो अशोक जी तुसी हर रोज आने हो हर रोज खिड़े मत्थे हर एक बंदे नूं आपां मिलदे हां खिड़े मत्थे हर गल दा जवाब देईदा ये भी मैनू आए भी आपां वाइट करने मत लो जी कोई भी पत्रकार साहब आवे अपने बात सिर मत्थे है नहीं ये देखो पत्रकारों का सम्मान करना साडा फर्ज है मेयर साहब मैं यही कहना ये भी तो कोई शक नहीं जो कोई आता तुम बड़े प्यार नाल डील करते हो यही तो साढ़े सारे के दिमाग आए भी की लोड़ पैगी तो जे शब्द भी कोई मूड खराब सी कोई लड़ाई कोई ला कोई ला के गल करने वाली कोई गल नहीं सी वो गल नूं एवें बधाई जाइए आप उस गल का कोई फायदा नहीं वो कोई गल बधा के नहीं आप देखो दोबारा सुन लें चलो मैं पता ही सुनिए मेरे को भी आई है जी पूरी दिखाओ ना पूरी पूरी देखो जी सारी देखो पूरी देखो नहीं देखो गल सुनो एक तरफा तुम एक तरफा गल ना करो इन पूरी सुनो पूरी च जे कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵਾਈਟ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੈ
कोई भी बंदा भावें अफसर है भावें किसी भी पोस्ट है वह उस पोस्ट है असी लोग जो सा कैमरा ऑन हो गया उदों असी लोग पत्रकार हाँ असी पुछना यारियां दोस्तियां वो कैमरा ऑफ होने बाद है मिसटेक कितने हुई जी मैं हूँ थोड़ी लास्ट वाली गल तो पता लगता भी तुम जिनी पहला गल करती वह तो एज सीनियर डिप्टी मेयर करती तो लगे भी इन्हें कैमरा बंद कर लिया हूँ आप यारी के हिसाब से चल पी आही गल है बस होर तो कोई गल नहीं मैंने गौतम का भी फोन आज मैं यही गल हूँ दसो की चाहते हो देखो मैं कंप्लीट कर दा इन्होंने देखो जी गल कही मैं मेरे दिमाग से भी यार हूँ कैमरा बंद हो गया तो आप हम मजाक वाले हिसाब से आ जाइए या इस हिसाब न इस तरीके पर मेरी एक बेनती फिर भी ये है भी चलो कई बार कैमरा ऑन रह जाता शब्दावली तो आप सारे जने ध्यान दिया करिए पर फिर भी चिंता सारे क्योंकि जिन्ने साडे जर्नलिस्ट भरा ने सब चिंता यह होंगी है भी यार लोगों के फोन ज़्यादा आते हैं भी यार उन्होंने आह पुछो यार उन्होंने आह पुछो इस करके पत्रकारों ने सवाल करने ने ते तुहाडे सारयां दे फर्ज है क्योंकि तुहानू एक पोस्टां बहुत वड्डियां मिली हुई हैं है ना जिम्मेवारां वाली पोस्टां मिली तो तुहाडे तो ही पुछे जाने ने सवाल असी राहगीर तो नहीं पुछ सकते थोनू बठिंडे शहर च कोई ऐसा दफ्तर नहीं मिलेगा जिसे लिखा जो जी आवे सो राजी अशोक जी गल बात की फिर भी उही गल हाँ जी मैं गोविंद सैनी बठिंडा तो लिमिटेड चैनल का रिपोर्टर जी तो अज सारे भरा मेरे प्रेस क्लब जिन्हें भी मैंबर है सारे इतने नगर निगम आए ने मेरे हक के जिहड़े कि पिछले दिन ही मैं स्टोरी करने वास्ते आया सी बाइट करने वास्ते आया सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार प्रधान जी की आवारा पशु बेसारा पशु जिहड़े बठिंडा शहर के घूम रहे हैं भी उन्होंने तुसीं प्रबंध की कर रहे हो तो उन्होंने मैंने जवाब दिता सी भी ऐं करके भी असी साडे कोल गौशाला जिहड़ी हैगी काफ़ी ज़्यादा फुल होई पई आ साडे कोल जगह है नहीं जिस तरह जगह खाली हो जाऊगी तो असी जिहड़े बठिंडा शहर से आवारा पशु घूम रहे थे उन्होंने फिर उन्होंने शिफ्ट कर देवांगे फिर उन्होंने मैं कहा मैं काउ टैक्स तुम इकट्ठा कर रहे हो वो कितने जा रहा भी तुम होर नवी गौशाला बना सकते हो या कोई होर जगह खरीद सकते हो ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पवे तो वो पता नहीं उन्होंने की मन के बचाया उन्होंने मैनू ही उल्टा कह दिता कहते जे पत्रकार है तुम आपके घर पाँच तो दस पशु तुहाडे घर बनते हैं असं उन्होंने गल कही सी तो जो सारे असं इकट्ठे होकर उत्ते मेयर साहब को भी गए सीनियर डिप्टी मेयर अशोक प्रधान जी ने मनिया भी मैनू ए लग्या भी इन्हों का कैमरा बंद से मैं मजाक किया अदरवाइज मेरा कोई मंशा नहीं भी ये गल कर इस तो इलावा नाल इतने धरने पर बैठे अपना एंटी करप्शन जोड़े है उन्होंने भी साढ़े मीडिया ना पूरा साथ दिता उन्होंने भी कहा भी जी उन्हें निंदा की है भी अगर तो यह जी गलबात ना हो क्योंकि पत्रकार ना ये गलबात हो सकती है जो व्डे कुर्सी बैठे है अहदेदार बंदे है तो आम लोगों किस तरह व्यवहार होगा इन्हों का तो उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं मैं तो सारे तो यही गुंजाइश है असं पत्रकार है असं हरेक सवाल पूछने जावे अफसर को भी जावे हरेक किसी को जावे पर जोड़ा भी सो समय जोड़े बंदा कोई भी हैगा अफसर जोड़ा है कोई प्रधान हैगा सोच समझ के जवाब दिता जाए ताकि पब्लिक के गलत मैसेज ना जाए।